भारतीय जनता पार्टी द्वारा आगामी 17 जून से मुजफ्फरपुर जिले में प्रारंभ हो रहे विधानसभा सम्मेलन को लेकर भाजपा जिलाध्यक्ष रंजन कुमार की उपस्थिति में बोचहा विधायक बेबी देवी ने बोचहा विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, महामंत्री, सचिव के साथ बैठक कर सम्मेलन की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक के उपरांत प्रेस वार्ता के दौरान विधायक बेबी देवी ने बताया कि मन की बात सप्तऋषि के साथ के तहत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा 17 जून से डिजिटल मीडिया के माध्यम से वर्चुअल रैली विधानसभा सम्मेलन के शुरुआत का निर्णय लिया गया है, जिस दौरान बोचहा में 23 जून को वर्चुअल रैली प्रस्तावित है। सरकार की उपलब्धियां व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से बोचहा विधानसभा के 35 पंचायतों में बूथ स्तर तक प्रचारित प्रसारित करने का काम कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाएगा। बेबी देवी ने बताया कि गृह मंत्री का जनसंवाद कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते हुए लगभग 25,000 कार्यकर्ताओं और जनता के शामिल होने का लक्ष्य रखा गया है। विधायक बेबी देवी ने कहा कि हमारी पार्टी विकास के मुद्दे पर बात करती है और काम करती है। प्रधानमंत्री की पाती लेकर हम घर घर जाएंगे और सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे। रंजन कुमार ने कहा कि आगामी 17 जून से विधानसभा सम्मेलन को लेकर तैयारियों की समीक्षा की गई। 23 जून को बोचहा में प्रस्तावित वर्चुअल जनसंवाद कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर समीक्षा बैठक की गई। यह कार्यक्रम पूर्णतः वर्चुअल होगा, जो डिजिटल माध्यम से किया जाएगा, जिसके उपरांत डिजिटली माध्यम से लेकर सरकार की उपलब्धियों को प्रचारित प्रसारित किया जाएगा। इसकी बात सप्तऋषि के साथ और माननीय अमित शाह जी का प्रोग्राम को समीक्षा बैठक हमारे बोचहा विधानसभा के सभी मंडल अध्यक्ष और महामंत्री और प्रभारी और हमारे जिला अध्यक्ष जी इसमें शामिल हुए हैं। हम लोग के 23 तारीख को जनसंवाद वर्चुअल रैली होने जा रहा है बोचहा विधानसभा में। वहां से प्रदेश लिंक देंगे और उसके बाद हम लोग सारे व्हाट्सएप ग्रुप में 35 पंचायत है बोचहा विधानसभा में, 3500 पंचायत में बूथ स्तर तक ग्रुप जाएगा और लक्ष्य है मेरा 25,000 कार्यकर्ता और जनता जनसंवाद सुनेंगे और एक जगह मंच बनेगा सोशल डिस्टेंस के पालन करते हुए। और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो अभी पत्रक घर घर जाकर पहुंचाने का हम लोग काम कर रहे हैं, तो हमारी पार्टी विकास की बात करती है, विकास लेकर हम लोग घर घर जा रहे हैं। केंद्र सरकार की उपलब्धि और राज्य सरकार की उपलब्धि जहां तक बोचहा विधानसभा की है, तो हमने जब से विधायक बने वहां बिजली की काफी समस्या था, वहां पावर सर्वे स्टेशन बनाने का काम किया, उसके बाद जहां जहां रोड खराब थी रोड बनवाने का काम किए। मुसहरी में 30 बेड का पीएससी बेड बना और एसकेएमसीएच में पीसू वार्ड 200 बेड का बना। जिस समय पिछले साल भी आप लोग भी जानते हैं चमकी बुखार से काफी परेशान थे, तो आपके माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, आदरणीय उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी को, आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी को मैं साधुवाद देती हूं और आभार प्रकट करती हूं कि बिहार नहीं देश में कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है, सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनाने का काम हमारे एनडीए की सरकार ने की है। और विकास पर की बात हो तो परिवारवाद नहीं है, हमारी पार्टी विकास पर काम करती है, विकास पर वोट मिलती है। तो 243 विधानसभा में आदरणीय डॉक्टर संजय जायसवाल जी के नेतृत्व में और एनडीए के आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, सुशील कुमार मोदी जी के नेतृत्व में 243 सीट पर एनडीए के खाता में जाएगी। जो परिवारवाद जो कहते हैं कि एनडीए इस बार जाएगा, परिवारवाद के कारण ही तो आपका टिकट कटा था बोचहा से, कहीं ना कहीं तो परिवारवाद ही कारण था। नहीं ऐसे नहीं था, रामविलास पासवान के दामाद को टिकट मिलता है, आप कार्यकर्ता थी, आपका टिकट काटा जाता है बाद में। अपने एनडीए की सरकार ने की है और विकास पर की बात हो तो परिवारवाद नहीं है, हमारी पार्टी विकास पर काम करती है, विकास पर वोट मिलती है। तो 243 विधानसभा में आदरणीय डॉक्टर संजय जायसवाल जी के नेतृत्व में और एनडीए के आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, सुशील कुमार मोदी जी के नेतृत्व में 243 सीट पर एनडीए के खाता में जाएगी। जो परिवारवाद जो कहते हैं कि एनडीए इस बार जाएगा, परिवारवाद के कारण ही तो आपका टिकट कटा था बोचहा से, कहीं ना कहीं तो परिवारवाद ही कारण था। नहीं ऐसे नहीं था, रामविलास पासवान के दामाद को टिकट मिलता है, आप कार्यकर्ता थी, आपका टिकट काटा जाता है बाद में। अपने
लेकिन हमारे पार्टी ने, हमारे कार्यकर्ता ने वो जीत कर आज भी मैं बीजेपी के प्रदेश के उपाध्यक्ष, इतना बड़ा हमारा सम्मान पार्टी दी है एक कार्यकर्ता को, तो कार्यकर्ता की पार्टी है बीजेपी। मैं तो मानती हूँ कि जिस तरह हमने पार्टी में मैं जीत कर गई, मैं समर्थन दी, तो उस तरह हमारा पार्टी आज इतना बड़ा सम्मान दिया है, आगे भी देगा, क्योंकि कार्यकर्ता होने के नाते मैं आप लोग के माध्यम से कहना चाहते हैं कि कार्यकर्ता की पार्टी है बीजेपी। वहाँ पर बहुत ही जल्दी बनने जा रहा है, आपने जो अंकित किया है, मैं भी परसों गई थी, हमारा DPR 1 के चला गया है, कोरोना वायरस के चलते वहाँ अभी सेंक्शन नहीं हुआ, उस रोड के लिए मैं लगी रहूँ। और जहाँ तक हॉस्पिटल रोड की बात आप बोझा में कर रहे हैं, तो एक दो दिन में मैं शिलान्यास करने जा रही हूँ। बुझा और चंदवारा को जोड़ने वाली जो पुल है, 6 वर्ष हो गए अभी तक वो पुल पूरा नहीं हो पाया है। कहीं न कहीं वो रोड आपने 2016 में वो हुआ था, मैंने विधानसभा में ये क्वेश्चन किया था, अपने सरकार को भी अवगत कराई हूँ, आथर में बनने लगा था, तो इसीलिए कोई न कोई टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण ये रोड पुल नहीं बना है, वो ईवी पुल बनने जा रहा है। इस बार इस एजेंडे में आपके ये शामिल होगा ये पुल? मेरे एजेंडे में जब मैं सेवक के रूप में काम कर रही हूँ, मेरा अगला एजेंडा रहेगा रजवाड़ा पुल और बुधनगरा पुल, और जो बचा हुआ होगा काम उसको मैं पूरा करने का संकल्प ले रही हूँ। वो जहाँ विधानसभा की समीक्षा बैठक थी, इस बैठक में हमारे तमाम मंडल जहाँ के विधानसभा के अंतर्गत पड़ने वाले तमाम मंडल अध्यक्ष, तमाम मोर्चाओं के अध्यक्ष, तमाम प्रकोष्ठ के जो संयोजक हैं मंडल के, और जितने भी पदाधिकारी हैं वो सारे लोग इसमें संलिप्त हुए थे, और इसमें हम लोगों ने पुराने जितने भी हमारे कार्यक्रम हुए उसकी हम लोगों ने समीक्षा की और आगामी कार्यक्रम पर हम लोगों ने चर्चा किया। वो जहाँ विधानसभा में उन लोगों का पूरे बिहार में विधानसभा सम्मेलन शुरू होने जा रहा है, 17 तारीख से अपने जिला में ये कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है, 23 तारीख को बुचहा विधानसभा में विधानसभा सम्मेलन है जो वर्चुअली होगा, डिजिटल माध्यम से ये सम्मेलन होगा, इसमें व्हाट्सएप ग्रुप बनेंगे और एक बुचहा विधानसभा में मंच बनेगा जहां से हम लोग इस सम्मेलन का संचालन करेंगे, फिर इसमें प्रदेश के लोग प्रदेश से जुटेंगे, और इसमें जो हमारे मुख्य अतिथि होंगे केंद्रीय मंत्री से लेकर के, ये अभी तय नहीं हुआ है, वो लिस्ट आने पे हम लोग बता देंगे, वो लोग का संबोधन होगा, और हम लोग इस सम्मेलन में अपेक्षा है हम लोगों की कि 25,000 से अधिक की संख्या में वर्चुअली इसमें लोग जुड़ेंगे। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।